संसार दावा हरे कृष्ण भक्तों। तो कृष्ण कृपा चैनल की इस मृदंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई बीट सीखेंगे जो श्रील प्रभुपाद जी को उनके पिता श्री श्री गौर मोहंडे जी ने उनको सिखाई थी, और ये बीट इस्कॉन में बहुत ही अधिक प्रचलित है। इतनी प्रचलित है कि भक्तों ने इसका नाम ही प्रभुपाद बीट रख दिया है। और यह बीट इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है कि हर कीर्तन हर आरती में यह बीट शुरुआत में बजती ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह बीट क्या है और कैसे बजेगी। यह बीट 16 मात्राओं की है और इसको हम लोग 3 पार्ट्स में सीखेंगे। बीट के बोल्स हैं ती ता ता रति रति ता खी खी नी गे धा धिन धा धिन धा धा। पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कैसे बजती है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमको ये कैसे बजाने। तो ये है अपनी प्रभुपाद बीट। सुनने में लग रहा है ना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत सरल है। ये 3 पार्ट्स में सीखेंगे, तो आइए देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट बहुत ही सरल है। ये अपने दाएं साइड से बजेगा, इसमें लेफ्ट हैंड का यूज नहीं है। आइए देखते हैं। तो ये है ती ता ता रति रति, ठीक है। ती आप सब जानते ही, ता भी जानते ही, ती ता ता रति रति। ये फिंगर जब हम चक्का के बजाते हैं तो मैंने बताया था इसको र बोलते हैं। ती ता ता रति रति ता र ती र ती ता, ठीक है। तो पहला पार्ट अपना है ती ता ता रति रति ता, बस इतना। ती ता ता रति रति ता ती ता ता रति रति ता ती ता ता रति रति ता, बस इतना। फर्स्ट पार्ट हो गया अपने। सेकंड पार्ट है खी खी नी गे धा। तो इस कंपोजिशन में खी क्या है, जो हम लोग की बजाते हैं ना, की क्लोज साउंड बाई तरफ से, इसको बोलते हैं की। लेकिन इस कंपोजिशन में इसको बोलेंगे खी 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 नी। नी है ता, ठीक है, याद रखने वाली बात है, इसलिए नोट करवा रहा हूं। खी खी नी गे धा, इधर से देखिए खी खी नी गे धा खी खी नी गे धा। गे सिंगल लेफ्ट हैंड और धा में गे और ता साथ, खी खी नी गे धा, बस ये है। खी ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल। थर्ड पार्ट है धिन धा धिन धा धा, बस इतना सा। धिन ती के साथ गे, ये हो गया धिन, और धा ता के साथ गे धा। धिन धा धिन धा धा, बस ये है अपना थर्ड पार्ट। धिन धा धिन धा धा। तो अब क्या करना है हम लोग को, इन तीनों पार्ट्स को एक साथ मिला देना है। ती ता ता रति रति ता की धिन गे धा धिन धा धिन धा धा। ती ता ता रति रति ता की धिन गे धा धिन धा धिन धा धा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉन में
कोई भी आरती हो, भजन हो, कीर्तन हो, उसमें भी शुरुआत में बजती ही है। कभी भी आप गौर करिए इस्कॉन मंदिर में मंगल आरती में जाइए सुबह, तो संसार दावानल जो प्रभुपाद जी के गौरवाष्टक हैं श्रीला विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी ने उसको लिखा है, उसमें सबसे पहले यही भी बजती है। जैसे संसार दावा नलली प्राणायकारुण्यघना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन मनसोरसेना रोमांचकं पाशु तरंग भाजु वंदे गुरो श्री चरणारविंद। वंदे गुरो श्री चरणारविंद। तो ये है अपनी प्रभुपाद भी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और बहुत ही जल्दी सीखने वाली है। आपको अलग अलग पार्ट्स प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा टाइम इनको कंबाइन करने में लगेगा, ठीक है, जो कि मेरे को भी लगा था, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो इस बीट को प्रैक्टिस करिए और श्रील प्रभुपाद और श्री गौर निताई को प्रसन्न करिए हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, क्योंकि कलयुग में केवल एक ही साधन है, हरे नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। और कलयुग में अनेक दोष हैं, केवल इसमें एक ही गुण है, कृष्ण के नाम का कीर्तन। कलौ दोष निधि राजन हस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। श्रीमन गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रभु हरि हरि बोल।